Come in. Ice coffee. मुझे लगा था आप सिर्फ whiskey on the rocks पीते हैं. Coffee आपको piping hot पसंद है. अरे अब आप जैसे employees office में होना तो मुझे डर लगता है. कभी भी accident हो सकता है. इसलिए मैंने ना hot beverages पीना ही छोड़ दिया. Anyway, मैं ये कहने आई थी कि राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए जो हमारी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है उसके लिए हम मिलकर एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं. गुड आइडिया. तो एक काम करो, जो भी ये रिसर्च या प्रेजेंटेशन को लेके तुम खुद से कर लो अपनी डेस्क पे बैठ के, और पॉइंटर्स मुझे मेल कर देना वहीं से. जो भी प्रेजेंटेशन मैं बना लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. चल क्या रहा है सिंह सर? व्हाट? उस दिन भी आपने सारा काम खुद कर लिया था मेरे बिना, और अभी भी आप साथ में प्रेजेंटेशन करने के लिए रेडी नहीं है. नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वियान भाई को बता दूंगी, वो किसी और को इस प्रोजेक्ट पे डाल देंगे. ये क्या बोल रही हो वान्या? मैंने कुछ कहा है सर? और ये बात बात पे वियान भाई क्या करती रहती हो? हाँ मुझे पता है तुम्हारा भाई है, मैं भी तुम्हारा बॉस हूँ. वान्या मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, इसलिए मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ. आपके पास कोई आपके एडिशनल वैल्यू एडेड इनपुट्स होंगे तो मुझे मेल करिएगा, वरना मैं अकेले कर लूंगा. थैंक यू सो मच. अच्छा, आप खुद कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं. हेलो. हेलो योट अंकल, पहचाना? इट्स मी आरव. आरव, आरव कैसे हैं? चैम, सो गुड टू हियर फ्रॉम यू. क्या हो गया? ऑल ओके? मम्मा फोन नहीं उठा रही क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे बस आपसे बात करनी थी, यू नो, मैन टू मैन टॉक. ओके बोलो. मैं आपको वीडियो कॉल कर लूं क्या? हाँ कर ले. व्हाट्स अप चैम, कैसे हैं? क्या बात है, मंकी गॉट अ न्यू हेयर कट. हाँ, looking cool. Good to see. ले लीजिए. आपको सब खुद से करना है ना, तो आप सारे डिजाइन्स खुद फाइनल करिएगा, अकेले कर लीजिएगा. अंकल सच सच बताना, वो आपको पसंद है ना? What? No, 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 no. आरव, आरव आप ये क्या बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है. अरे एक सेकंड, आपको ये सब किसने कहा? No, कथा ने ऐसा बोला आपको? नहीं, मतलब डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा. कथा को मेरी फीलिंग्स के बारे में कैसे पता है यार? जिन फीलिंग्स के बारे में मैं खुद से बात करने से. मंकी आपकी मम्मा क्या है, उन्हें सब कुछ कैसे पता होता है? अरे पता कैसे चला वो छोड़ो, फीलिंग इम्पोर्टेंट है ना, यानी कि वो आपकी स्पेशल वाली फ्रेंड है ना. हाँ मतलब फ्रेंड है, लेकिन स्पेशल पता नहीं यार मुझे. I mean, I'm not sure. क्यों? क्या हुआ? लड़ाई हो गई क्या उनसे? नहीं बाबा, कोई लड़ाई भाई नहीं हुई यार. अरे कुछ होना तो चाहिए लड़ाई होने के लिए. आरव तू आंसर योर क्वेश्चन, ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं है. जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है. मतलब मैं उन्हें वैसे लाइक नहीं करता हूँ, हम लोग वैसे क्लोज नहीं है. आप छोड़ो ना, ये सब में कहाँ घुसे पड़े हो यार, अपने स्कूल पे फोकस करो, मजे मजे करो. ओके चलो, अब मुझे मीटिंग पे जाना है, बहुत सारा काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ. बाय बाय. कथा, नो, तो प्लान का बिल्कुल उल्टा हो गया. मुझे लगा था कि चिच्चू अंकल मम्मा के बेस्ट फ्रेंड होंगे, लेकिन शायद मैं गलत समझ दिया. लगता है मम्मा का कोई ऐसा वाला स्पेशल फ्रेंड है ही नहीं. अब क्या करूं यार? कथा मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे मन में ना किसी के लिए भी किसी तरह की कोई भी फीलिंग्स है ही नहीं. मैं ना एकदम सिंगल हूं और बहुत 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 खुश हूं. सो नो कंफ्यूजन, नो इमोशन, नो लफड़ा, नो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल. ओके ओके, सब क्लियर है राइट? क्लियर है, लेकिन नहीं, कोई लेकिन किंतु परंतु इफ बट है ही नहीं. कथा मैं ना इस समय इमोशंस और रिलेशनशिप के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैराथन दौड़ रहा हूँ.
फुल फोकस ऑन वर्क. ओके सो बाय, टेक केयर. आप यहाँ? हाँ, आप मुझे ऑफिस में नहीं दिखी तो मैं. मुझे भी आप ऑफिस में नहीं दिख रहे थे तो. हाँ, मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गया. सो क्या कहना चाहती हैं आप? बोलिए. राइट, तो मैं सोच रहा था क्योंकि कल तो मैं जा रहा हूँ तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो हम डिनर पे चल सकते हैं. नो प्रेशर, अगर पॉसिबल हो तो. गुड आइडिया. एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी. मिस्टर रघुवन जी, आप सही थे. बहुत कुछ चल रहा है मेरे मन में और आसान नहीं है वो सब कहना, पर मैं कुछ कहूंगी और कुछ आपको खुद ही समझना पड़ेगा. मिस्टर रघुवंशी, मैं कथा. पापा, हाय माँ. हाय बेटा, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया. प्यारी लग रही है हमारी बच्ची साड़ी में. गुड इवनिंग अंकल. गुड इवनिंग बेटा. नमस्ते आंटी. नमस्ते बेटा. आप लोग भी यहाँ डिनर करने आए? मैं कब से कविता को बोल रहा था कि नई जगह है, नया रेस्टोरेंट है, चल के ट्राई करते हैं. अब देखा, कथा यहाँ पे है तो मेरा पॉइंट प्रूव हो गया. मतलब ये अच्छी जगह है. काम कैसा चल रहा है बेटा? सब अच्छा है पापा, ऑल गुड. सुनिए ना, हम दोनों इन्हें छोड़ देते हैं, इन्हें डिनर साथ में करने देते हैं और हम जाते हैं वहाँ. क्या कह रही हो, ऐसे अच्छा थोड़ा लगता है. हाँ, कथा है यहाँ पे और मैं कितने टाइम से सोच रहा था कि कथा को कहीं बाहर लेकर जाना चाहिए. बहुत टाइम से सोच रहा था मैं. तो बेटा, आज का डिनर मेरी तरफ से. ए, हुई ना बात. अंकल प्लीज ज्वाइन अस. बस एक रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ आशीर्वाद देंगे, ट्रीट हम करेंगे. और ये हुई खानदानी बात. थैंक यू. बैठ बेटा. थैंक यू. अंकल, सो वैसे हम दोनों ऑर्डर करने में बहुत खराब है और आफ्टर ऑल वी हैव अ रियल रेस्टोरेटर विद अस टुडे. तो अगर आपको इतराज ना हो क्या आप ऑर्डर कर सकते हैं? कर देते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक मिक्स वेज जी, एक तवा पुलाव, एक दाल मखनी और चार नान. नान से पता चल जाता है कि रेस्टोरेंट कितने पानी में. ओके, आई अंडरस्टैंड. अंकल आप छोले भटूरे मंगा सकते हैं, कथा को बहुत पसंद है. बेटा मैं तो आपसे आपकी पसंद पूछ रहा था. कथा की पसंद मुझे अच्छी तरह पता है, खुद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है. छोले भटूरे जी. एक बात माननी पड़ेगी कविता, बॉस हो तो ऐसा अपने आप से ज्यादा अपने एम्प्लॉइज का ध्यान रखता है. वैसे बेटा हमने न्यूज देखी, सुनकर झटका लगा. हालांकि सच क्या है झूठ क्या है वो तो पता नहीं है,
Because we are outsider, na. और तुमने जो किया है ना, इसको करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है. तुम्हारे डैड की तरफ से मैं तुम्हें बोलता हूं, प्राउड ऑफ यू बेटा. थैंक यू अंकल. तो बेटा मम्मी ठीक है? I'm sure के तेजी भाभी को बहुत जोर से झटका लगा होगा. अंकल सच तो कड़वा ही होता है लेकिन चीजों को सुलझा देता है. दर्द होता है लेकिन इसी से मरम्मत होती है रिश्तों की. परिवारों में अक्सर कुछ रिश्ते उलझे हुए होते हैं बेटा लेकिन ध्यान रखकर प्यार से हम उन रिश्तों को सुलझा सकते हैं. इंसान से जो बन पड़े उसे वो करना चाहिए अपनों के लिए. और अच्छा क्या हुआ तुम्हारे केस में कि तुम्हारे परिवार का तुम्हारी मम्मी का मुश्किल टाइम निकल गया. अब जो भी करना बेटा अपनी मम्मी की खुशी के लिए करना. जो भी फैसला लेना वो अपने परिवार के बारे में सोच कर लेना. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.